युधामनुष्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवदगीता के पहले अध्याय का छठा श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे तो चलिए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो होता है कहता है युधामन्युष्च विक्रांत अर्थात और युधामन्यु जो कि पराक्रमी है या विक्रांत है फिर ये कहता है उत्तम उत्तमौजाश्च वीरवान अर्थात औजा जो वीर है फिर बोलता है सुभद्रो द्रौपदे आश्चर्य सुभद्रो जो है उसका अर्थ हो गया सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदे आश्चर्य का अर्थ हो गया और द्रौपदी के पुत्र सर्व एवं महारथा अर्थात सबके सभी सब महारथी हैं तो इस श्लोक का जो पूरा अर्थ हो गया वो कुछ इस प्रकार से हो गया कि यहाँ पर भी फिर से कुछ योद्धाओं के नाम लिए जा रहे हैं तो पहला जो है वो है पराक्रमी युधामन्यु फिर उसके बाद में अगला जो है वो है वीर उत्तमौजा फिर सुभद्रा का पुत्र और फिर द्रौपदी के पुत्र ये सभी के सभी महारथी हैं तो अब यदि आप मेरे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर वास्तव में जो है दुर्योधन और द्रोणाचार्य के बीच में संवाद चल रहा है और दुर्योधन जो है वो पांडवों की सेना के जो योद्धा हैं उन सभी के नाम यहाँ पर गिना रहे हैं द्रोणाचार्य को ये कहते हुए कि देखो जो पांडवों की सेना है उसमें बड़े बड़े महारथी हैं तो उन्हीं में कुछ नाम जो है पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने बताया और यहाँ पर फिर कुछ और नाम यहाँ पर बता रहे हैं और यहाँ पर वो समाप्त कर देंगे जो नाम बताना है उसको तो यहाँ पर जो उन्होंने नाम दिए हैं वो जो है युधामन्यु का नाम दिया है उत्तम औजा का नाम दिया है और द्रौपदी और सुभद्रा के पुत्रों का नाम दिया है तो थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं तो युधामन्यु जो है और उत्तम मौजा जो हैं ये दोनों ही वास्तव में पंचाल से आए थे तो ये पंचाल नरेश जो हैं उनके परिवार वाले हैं और पंचाल हम जानते हैं कि वही राज्य है जहाँ से कि द्रौपदी आई थी और उनके पिता द्रुपद जो है वो वह वहाँ के राजा हैं और ध्रुव ध्रृष्टद्युम्न जो हैं जो कि पांडवों की सेना के सेनापति हैं वो भी जो हैं वहीं से हैं पंचाल से ही हैं तो ये दोनों जो हैं ये भी वहीं से हैं और राजकुमार हैं ये उसके बाद में जो अगला नाम है वो है सुभद्रो अर्थात सुभद्रा का पुत्र और सुभद्रा का पुत्र जैसे कि हम सभी जानते हैं वो है अभिमन्यु तो यहाँ पे अभिमन्यु का नाम लिया जा रहा है और फिर द्रौपदेश्च्य अर्थात द्रौपदों द्रौपदी के जो पुत्र हैं उनका उनका नाम तो द्रौपदी के भी कई पुत्र होते हैं और उन पुत्रों का भी नाम यहाँ पर लिया जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि ये सभी के सभी जो हैं ये राजकुमार हैं ये जो भीम अर्जुन हैं उनके जो से अगली पीढ़ी जो है तो वो है ये और ये सभी के सभी महारथी हैं तो यहाँ पे तो हमने ये समझ लिया कि ये कौन है अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा और वो ये है कि ये जो सभी के सभी हैं ये सभी के सभी युद्ध में मारे जाते हैं जो युद्धाम्यु हैं और जो उत्तम औजा हैं और जो द्रौपदी के सारे पुत्र हैं वो सब के सब जो हैं अश्वत्थामा के हाथों मारे जाते हैं वो सो रहे होते हैं और अश्वत्थामा रात में आके जो है उनको पांडव समझ के उनको उनको मार देते हैं तो वो है और अभिमन्यु का तो हम सभी को पता है कि वो तो जो युद्ध में ही वो जो है मारे गए थे जब चक्रव्यूह भेद आता उन्होंने उस समय पर तो एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है उसमें जो ये सभी जो अगली पीढ़ी है पांडवों की तो उन्होंने भी इन सबको गवा दिया वास्तव में देखा जाए तो आप ये देखिए कि इस प्रकार से कि जो युद्ध है उसमें किस प्रकार से हुआ कि भले ही जो है जो पांडव थे वो युद्ध में जीत गए परंतु फिर भी जो कीमत उन्होंने दी जो मूल्य उन्होंने दिया उस युद्ध को जीतने का वो इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी आगे की पूरी पीढ़ी को ही खो दिया सभी के सभी जो है युद्ध में मारे जाते हैं यानी भीम के जो घटोत्कच घटोत्कच जो होते हैं वो भी युद्ध में जो है मारे जाते हैं अभिमन्यु जो है वो भी युद्ध में मारे जाते हैं दोनों ही वि वीरगति को प्राप्त होते हैं और फिर द्रौपदी के इतने सारे पुत्र हैं ये सभी के सभी भी जो है ये युद्ध में मारे जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि धर्म की संस्थापना तो की उसके लिए युद्ध भी किया परंतु जो युद्ध किया उसके लिए कितने बड़ा मूल्य देना पड़ा तो ये एक बात है जो कि हम सभी को समझनी चाहिए कि जो धर्म होता है उसको ऊपर रखने के लिए बहुत सारा मूल्य जो है जो कि हमें देना पड़ता है क्योंकि हमें देने के लिए तैयार रहना भी चाहिए अन्यथा जो समाज है वो विघटन में ही चला जाएगा तो इसलिए हर किसी को जो है अपने जीवन में इस प्रकार से अपने मूल्य या आप कह सकते हैं आहुति भी कह सकते हैं इसको आप जो कि आप धर्म की ओर देते हैं तो वो देना पड़ता है आपको तभी जो है आप धर्म की संस्थापना कर पाते हैं तो ये इस श्लोक से हम समझ सकते हैं चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा नमस्ते